हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं इस बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले इस टाइप का एक बल्ब चाहिए। और दोस्तों, इसको मैंने इसका परिवार है जो बाहर निकाल दिया है। अभी चलिए मैं इसमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना है इसमें दोस्तों हमें, तो वो क्या क्या करना है दोस्तों उसके लिए मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको अच्छे से साफ कर लेना है। और फ्रेंड्स, मुझे चाहिए एक 4 वोल्टेज की इस टाइप की LED, जो कि मुझे दोस्तों AC DC बल्ब से निकाली थी मैंने, जो ख़राब था उसमें से निकाल दी थी। और चलिए फ्रेंड्स, आगे का मैं बताऊंगा कि। और दोस्तों, इस टाइप की एक बैटरी चाहिए इस प्रैंक वीडियो को बनाने के लिए। और इसके बल्ब से दोस्तों हम किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं कैसे बना रहा हूँ आप भी बिल्कुल बिना स्किप किए इसको देखना और आराम से अच्छे से दोस्तों बना लेना, और अपने दोस्तों के साथ प्रैंक भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो नेगेटिव है दोस्तों इस बैटरी का, तो मैं इसमें नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, या एक वायर करना है दोस्तों आप नेगेटिव कर सकते हो या पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें पॉजिटिव वायर पर कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भाइयों, यहाँ पे मैंने इसमें एक कनेक्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ से मुझे नेगेटिव के लिए एक दूसरा वायर ले लिया टुकड़ा। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा LED पर। तो भाइयों, इतना सब करने के बाद अभी चलिए एक फ्रेंड्स ये चीज है जो कि एक काम करेगी। और ये क्या चीज है दोस्तों, अगर आपको पता है पहले से तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको भी यहाँ पे लगाऊंगा। और लगाना मुझे किस तरीके से है दोस्तों, इसका एक सिरा है जो दोस्तों हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे बैटरी के वायर पर। और दोस्तों, जो LED का वायर है हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। चलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो भाइयों, इतना इतना सा सर्किट है और इसी से सारा काम होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट सही तरीके से सेट करने के लिए मुझे एक डबल टैप की शायद ज़रूरत पड़ेगी, और उसके द्वारा मैं इसको बैटरी को यहाँ पे चिपका दूंगा। तो भाइयों, मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको लगा दिया है, ताकि यहाँ पे कोई शॉर्ट ना हो इसमें आपस में। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको भी इसके बाद यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। और इसके बाद दोस्तों, इस LED का जो डिफ्यूजर है वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। इस तरीके से दोस्तों लगा दिया है। अभी चलिए इसको हम करते हैं टेस्ट। और दोस्तों, ये टेस्ट करने के लिए हमें एक मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको और दोस्तों वो लगाई थी जो चीज़ मैंने पहले बताया था कि ये क्या है। तो दोस्तों, ये मैग्नेट स्विच है, और मैग्नेट स्विच क्या काम करती है, जब इसके पास कोई मैग्नेट जाएगा तभी ये जाके ये वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं इसके पास मैग्नेट को ले जा रहा हूँ वैसे ही ये वर्क कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, कहीं पे टच नहीं है, और ये LED है बिल्कुल भी। देखिए फ्रेंड्स, आप इसको ये देखिए कितने अच्छे से वर्क कर रही है। और दोस्तों, मैंने अभी आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैंने चार्जिंग के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की। तो दोस्तों, चार्जिंग के लिए क्या है, मेरा मतलब था आपको बताना, तो मैंने बताया वो चार्जिंग के लिए। दोस्तों, मैं चार्जिंग सॉकेट लगा सकता था लेकिन मैंने नहीं लगाया, क्योंकि दोस्तों मुझे आगे चल के पता नहीं इसको यूज करना है कि नहीं करना है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।